अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा भाई, आज का जो सीन कुछ ऐसा है, हमने करवा दिया बकरे को खसी और उसकी जो है ट्रीटमेंट वगैरह करवानी है हमें, तो हमें क्या, हम खुद ही करेंगे ट्रीटमेंट उसकी, क्योंकि वो तकलीफ में है। असल में उसके स्वाइलन वगैरह आई हुई है, तो उसकी मेडिसिन वगैरह भी देनी है, उसको खसी हो गया वो। तो अभी मैं छत पे जा रहा हूँ और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह भी करेंगे और बाकी परिंदों का दाना पानी भी करेंगे। और आज जो चीनी मुर्गी वो भी बाहर छोड़ेंगे हम, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं उसको अंदर बंद करेंगे। अब तो सेट हो गई होगी माशाल्लाह से, लेकिन अभी ट्राई करते हैं उसको बाहर खोलने की और उसको देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देती है, कि इस जगह को अपने हिसाब से सेट कर पाएगी या नहीं। चलो अब हम चलते हैं अपने मिनी ज़ू में। अरे तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पर? मुर्गी मुर्गियों को देखने आया था। अच्छा, तू बहुत है यार आज। कराची में जो ना सर्दियाँ पता ही नहीं चलती कब आती हैं कब चली जाती हैं, अंदाज़ा ही नहीं होता बिल्कुल भी ना। तो अभी देखते हैं इन सबको भी कि क्या कंडीशन है। और जो मेरे पास तोते वगैरह थे वो भी मैंने सारे अभी हटा दिए हैं। बाकी जो है कुछ पेयर्स अभी लेकर आया हूँ जिसमें वो बच्चों के साथ पे लगे थे। बाकी इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी भी। हेलो, आओ। दुबला हो गया बेचारा, तकलीफ़ है ना असल में इसके, इस जगह पे जो है ना पीछे की तरफ तकलीफ़ बहुत है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह सेट हो जाएगा। और अभी इसके जो है ठंडा पानी वगैरह भी मारेंगे, इसको दवाई वगैरह भी देंगे, इनका दाना वगैरह भी है अभी वो भी करेंगे पूरा। बाकी जो है तोतों की भी कंडीशन देख लेते हैं कि इनकी कंडीशन भी क्या है। और इनका जो जाल वगैरह वो भी काफ़ी ख़राब हो गया, गंदा हो रहा है, इसको भी अभी साफ़ करेंगे। बाकी ये कुछ अभी भी हैं मेरे पास बच्चे वगैरह, ये जो है कुछ ज़्यादा ही साइज इनका छोटा था इसलिए अभी सेल नहीं करें इनको। बाकी ये वाले पेयर्स अभी मैं लेकर आया था फेलो रेड आइज, और इनके जो है अंदर वो आप देखें मटकियों में गौर से, इसमें भी चिक्स हैं, इसमें भी चिक्स हैं, इसके कुछ चिक्स बाहर भी आ गए। और अभी इनको भी देखते हैं, इनकी भी साफ़ सुथराई वगैरह करते हैं। अभी जो है चीनी मुर्गी को आए हुए 3 दिन हो गए और मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको बाहर निकालूं और जो है वो बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि क्या सीन करती है। अभी जो है पिंजरा मैंने यहाँ पर रख लिया, ये दोनों भी बाहर घूम रहे हैं और इसको भी बाहर निकालते हैं क्योंकि डर बहुत रहा है यार, ये अभी भी डर रहा है। खैर इसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं। आ गया बाहर और अल्लाह करे ये जो है सेट हो जाए इस जगह पर। बहुत प्यारी चीज़ होती है इसकी, बहुत प्यारी आवाज़ होती है यार। ये सेट जो है ना बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि ये तुर्किश की ब्लड लाइन है ये ना, लेकिन ये कि जब ये सेट हो जाएगा फिर ये अपनी आवाज़ें भी निकालेगा। इसकी आवाज़ें भी बहुत प्यारी होती हैं। और इसका एक मेल लेके आना है, उसके लिए भी जो है मैंने एक दो बंदों को बोला हुआ है मेल का, क्योंकि मेल मुझे मिल नहीं रहा, फीमेल मिल रही थी जिसके बाद भी मैंने पूछा, लेकिन इंशाल्लाह इसका मेल जैसे ही मिलेगा इसके साथ लगाएंगे हम इसको भी। अच्छा भाई, अभी जान से मंगवा लिया और बर्फ़ भी आ गई है, ठंडा पानी भी आ गया। अभी एक बकरे की जो ट्रीटमेंट करनी है वो करते हैं हम लोग, और जान बकरे को निकाल के लेकर आओ। अच्छा भाई, अच्छा बकरा बाहर आ गया, जान तो बकरे को पकड़ के लेकर आओ फटाफट। ये अबू बकर भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये जो है पीछे पीछे खुद खुद ऊपर आ जाता है। यार एक मिनट रुक जाओगे तुम, शोर नहीं करो, ए शोर नहीं करो, अभी आ रहा है वो अंदर ही। जान इसकी बैग ले आना मेरे पास, और ये हमारे पास जो है थैली और बर्फ़ है इसके अंदर, ताकि हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उस पर जो है ना इसकी स्वाइलिन बहुत आई हुई है। अब इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जान इसको टाइट से पकड़ के रखना, सही है। मिलता हूँ मैं ज़रा इसके ट्रीटमेंट करने के बाद आपसे। ठीक है, इसको जो इस तरह से करना पड़ता है, नीचे की तरफ दिखाओगे, इस तरह जो है थैली लगा के उसके नीचे, और इसको जो है फुल बर्फ़ के अंदर चिल्ड करना पड़ता है ताकि उसकी जो स्वेलिंग वगैरह ना वो उतर जाए इसका। बाकी इसको सुकून नहीं है यहाँ। अरे भाई को तो बहुत ही इतनी क्या हो गई है, इसका दोस्त पकड़ लिया ना मेरे को। अबू बकर आप इनको छोड़ दें, दवाई है ये देखो भाई, भाई अभी इसकी दवाई बना रहे हैं, तो ये कौन कौन सी दवाई है मेरे को पीसते हैं। होगा पीछे हो जाए, लग जाएगी आपके। उसको जो है बर्फ़ की टिकोर वगैरह तो कर दी थी ना, हमने भी कर दी थी। इसकी दवाई वगैरह रेडी करके इसको दवाई देनी है ताकि इसका स्वेलिंग वगैरह कम हो और दर्द भी नहीं होगा। हाँ सही है कि इसको दर्द भी नहीं होगा।
सफाई वगैरह काम स्टार्ट कर दिया और इसकी सफाई वगैरह भी कर रहे हैं। अंदर जो है उसकी मैंने भी कर दी है, कॉलोनी काफ़ी गंदी हो गई थी तो अभी साफ सुथरी हो गई है। बाकी अभी जान को छत पे लगा दिया मैंने ताकि छत पे सारी झाड़ू वगैरह दे। झाड़ू अगर साफ़ सुथरे होते हैं ना तो काफ़ी मज़ा आता है छत पर बैठने पे ना, तो मैं उसको यही बोलता रहता हूँ कि जब भी ऊपर आओ तो एक हाथ जो है मार दिया करो छत पर। और बाकी अभी प्लान मेरा ये हो रहा है कि मैं शायद अभी जाऊँ चीनी मुर्गी का मेल लेने के लिए और इसी में लगाऊँ कि जल्द से जल्द जाऊँ और मेल जाके लूँ फटाफट। मिलता हूँ आपसे मेल लेके आने के बाद। और मार्केट जो है अभी सूरत हाल ऐसी है और हम लोगों ने चिकन चीनी मुर्गी का जो है मेल ले लिया है और हम इंशाल्लाह घर जा रहे हैं और घर जाकर तो उसके बाद छोड़ेंगे इंशाल्लाह। फाइनली हमारा जो है पियर है वो रेडी हो गई है। ए पीछे चलो उधर चलो अपनी जगह पे जाओ चलो। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है पियर। एक पेयर योगिया एक योगिया और भी आनी है अभी चीज़ें तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा कि मज़ा आएगा। अच्छा भाई तो मैं अब जो है व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसी मज़ेदार चीज़ें और आती रहेंगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब नहीं आ रहे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।